इटली में सिसली आइलैंड के पास सोमवार सुबह बेसियन नाम का एक लग्जरी यार्ड डूब गया। बता दें 184 फीट लंबी यार्ड पर 22 लोग सवार थे। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 10 क्रू मेंबर और 12 पैसेंजर थे। यार्ड के मलबे की पहचान कर ली गई है। यह समुद्र में 50 मीटर की गहराई में मिला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यार्ड पर तैनात रसोइयों की मौत हो गई है और 6 लापता हैं। लापता लोगों में ब्रिटेन के मशहूर सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन माइक लिंच और उनकी 18 साल की बेटी हन्ना भी शामिल है। बिजनेसमैन लिंच की पत्नी एंजेला बैकारेस को बचा लिया गया है। वे डूबे यार्ड बेएशियन की मालकिन थी। यार्ड पर मार्गन स्टेनली इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट जोनाथन ब्लू मर और उनकी पत्नी भी सवार थी। उनकी भी तलाशी जारी है। ब्लूमर लिंच के करीबी दोस्त, कई सालों से लिंच का केस लड़ने वाले उनके वकील भी लापता हैं।